डेटोनेटर में एक कॉपर या एल्यूमिनियम की ट्यूब रहती है जिसका डायमीटर 6 mm रहता है और इसकी लेंथ 32 से 53 mm तक रहती है। इसकी थिकनेस 0.3 mm रहती है और ये एक तरफ से बंद रहती है। ट्यूब में जो मेन चार्ज रहता है वो सबसे नीचे रहता है। जो मेन चार्ज रहता है वो रहता है पेंटा एरीथ्रेटोल टेट्रानाइट्रेट PETN। ये जो है डेटोनेटिंग मीडियम के जैसे एक्ट करता है। और ये जो बेस चार्ज है ये कवर रहता है प्राइमिंग चार्ज से जो कि रहता है टॉप चार्ज। टॉप चार्ज में लेड अजाइड एंड लेड स्टिफनेट मिक्स रहता है और थोड़ा सा एल्यूमिनियम पाउडर भी रहता है और इस मिक्सचर्स को अपन ASA बोलते हैं। ये डेटोनेटर जो हैं वो नंबर 6 और नंबर 8 डेटोनेटर के रूप में बनाए जाते हैं। नंबर 6 डेटोनेटर में 0.25 ग्राम PETN रहता है और 0.35 ग्राम ASA मिक्सचर रहता है, जबकि नंबर 8 डेटोनेटर में चार्जेस जो हैं 25% मोर रहते हैं कंपेयर्ड टू नंबर 6 डेटोनेटर। अब जो माउथ रहता है डेटोनेटर का वो सील रहता है नियोप्रीन के प्लग से। ये प्लग जो रहता है वो वाटर सीलिंग रहता है और लो इनफ्लेमेबिलिटी रहती है इसकी। अब इस प्लग में 2 कॉपर वायर या फिर टिन कोटेड आयरन वायर जिनकी जो लंबाई है वो 1.8 मीटर या उससे ज़्यादा रहती है वो कनेक्टेड रहते हैं। ये वायर का एक हिस्सा बाहर रहता है और दूसरा हिस्सा जो है फ्यूज़ हेड से कनेक्टेड रहता है। फ्यूज़ हेड जो है वो प्राइमिंग चार्ज के ऊपर रहता है और ये फ्यूज़ हेड जो है उसमें इनफ्लेमेबल फ्लैशिंग मिक्सचर रहता है। अब जो फ्लैशिंग मिक्सचर रहता है उसमें लेड मोनोनाइट्रो रिसॉर्सिनल LMNR, पोटेशियम क्लोरेट, चारकोल एंड कोलाइडन कॉटन रहता है। ये मिक्सचर जो है जब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो फ्लैश हो जाता है और यही जो फ्लैशिंग मिक्सचर है वो इग्नाइट कर देता है प्राइमिंग चार्ज को, जिससे डेटोनेशन इम्पल्सेस जो हैं वो पूरे मीडियम डेटोनेटिंग मीडियम के में पास होती हैं। इसके कारण जो सेटरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो हाई एक्सप्लोसिव को डेटोनेट कर देता है। डीले डेटोनेटर के केस में डीले एलिमेंट जो रहता है वो प्राइमिंग चार्ज के ऊपर और फ्लैशिंग मिक्सचर के नीचे फिक्स रहता है। डीले एलिमेंट जो रहता है वो एंटीमनी एंड पोटेशियम पर मैग्नेट रहता है लॉन्ग डीले के केस में, और मिक्सचर ऑफ रेड लेड एंड सिलिकॉन रहता है शॉर्ट डीले एलिमेंट के केस में।